ये तंग नहीं करता है, ये लगता नहीं है, हम भी यूज कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं। ये हल्का सा ऐसे आपने पुश करना है इसके पाँव को। जो आगे टिप्स हैं जो इसकी, वो आपने नेल कटर से काट सकते हैं। इसमें आपको डर नहीं होता कि इसका नाखून ज्यादा कट जाए या जख्म हो जाए। तो के लिए ब्रश आ गए डॉग्स एंड कैट्स दोनों के लिए। ये फिंगर्स पे पहन के भी आप कर सकते हैं। टूथपेस्ट भी है इसके साथ। देखिए आज के ब्लॉग में ना आपको एक्सेसरीज बताऊंगा, फूड बताऊंगा, जो बिल्लियों की हैं, जो कुत्तों की हैं, उनमें पट्टे भी हैं, मतलब जितनी भी एक्सेसरीज है ना, जो कुछ आपके यूज में आ सकती है वो आप कर सकते हैं। अभी आप ये देखेंगे भाईजान, ये ब्रश जो है ना, ये कुत्तों बिल्लियों के लिए है, बच्चों के लिए, रोलर है, ये मुख्तलिफ इस्तेमाल की है, ये इन तमाम जानवरों की है जो यहाँ पर मौजूद है, ये आपके घर में मौजूद है। तो अली भाई ये किस किस लिए है बताया सही ना, ये है कि ये तो बच्चों के खिलौने की खिलौने हैं, आपको यही रहा है। लेकिन मैं आपको इसका कमाल दिखा देता हूँ, ये क्या करता है। अभी बिल्लियाँ खेलती है ना, इससे लूज बॉल पड़ा तो इसमें फेंक यार है पड़ा हुआ, तो दिखा ना जिसने, अब देखो खेल रही है, वो फिर से खेल रही है बिल्लियाँ। और कैटी और ये बच्चे ही खेलते होंगे। अभी देखिएगा यार, बॉल कुत्ते भी खेलते हैं इससे। बॉल डॉग अपने कुत्तों के लिए ले जाए तो खा लेंगे। हाँ वो तोड़ देगी, वो लास्ट का तोड़ देती है, आस्की तोड़ देती है, आस्की तोड़ती है, उसे समझ कोई नहीं आ रही। बिल्लियों ने खेलना है इससे। हाँ कहानी है, वो उठा उछालेंगी, फेंकेंगी। और अभी तो शीट है ना, शीट के ऊपर खेलना चाहिए। ये आई मूड में, ये चीजें इन्हें रिलैक्स कर देती हैं। कौन से खेलती रहती है ना, बच्चों सब बच्चों के खेलने की चीजें होती हैं। भाई साहब बिल्लियों के लिए लेना ना आपने, तो ये बॉल ले लें वहीं से, पेट्स फॉर यू से, क्लिंटन मार्केट से। अगर ये तो बॉल हो गए हैं, ये इनका गंद उठाने के लिए होगा यकीनन। मैं स्टार्ट करता हूँ आपको यहाँ से, बेसिक चीज जो है उसके कैट रखने के लिए। ये कैट लिटर होता है, इसमें वो गंद वगैरह टब निकाल, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ना, ये पड़ा हुआ है। ये इसमें थोड़ा सा लिटर डालकर ये टब जोन सा इसलिए इस्तेमाल होता है। लिटर क्या होता है, आसान लोग लोगों को बताएं। लोग मट्टी होती है, क्ले होती है, ये वो भी मार्केट से मिलती है ना, हमारे से मिल जाएगी आपको। अगर दिखा देते हैं आपको, वो इस थैले के अंदर रहेगी। हाँ ठीक है, कई तरह के ब्रांड, यानी बाजार से भी जो गली मोहल्ले में मिट्टी गिरी होती है वो नहीं डालनी, वो नहीं डालनी। इसका फायदा ये है ये ना ज्यादा वेस्ट नहीं होती, स्मेल नहीं होने देती घर पे, इसका बेनिफिट ये है। ये सही है, जिसने कमरे के अंदर रखा होता है। टॉमी कैट लिटर, ये जितने आजकल ये चल रहे हैं मार्केट में ना, ये जरा उनमें से नीड है, अच्छा है, इसमें सफाई है, इसमें वो जो था ना डस्ट कम है। ये तारिक भाई बैठे हैं पीछे, जो पेट्स फॉर यू के ऑनर है। क्यों तारिक भाई, कितने से बाद दोबारा बात हो रही है हमारी दुकान की तरफ, ब्लॉग बन रहा है आपके 15-16 साल बाद पहुँच गए तारिक भाई। आज आप बताएं, ये तो लीड बॉक्स हो गया, गन डालने वाला, उसके बाद टट्टी पेशाब हो गया, ब्रश आ जाता है जो इसका कॉमन चीज है इसके लिए, बाल बूल साफ करने के लिए, ये रूटीन में आपको करना होता है इससे, जो आपको हेयर फॉल का मसला नहीं होता। फिर अच्छी क्वालिटी का ब्रश है ये, आम तो ब्रश पड़े मेरा क्यों भाई आपने, ये इसमें मसला आ जाता है कि हम करते हैं ना ब्रश तो सारे बाल इसमें फंस जाते हैं। ये दो तरह के ब्रश होते हैं, कैट लवर्स है ना, फिर वो हाथों से कहीं उठा निकाल लेते हैं, कई लोग फिर ये बटन वाला भी तो होता है ना, एक ये है बटन वाला, नई वैरायटी दिखाए ना हम लोग। ये बटन वाला, इसमें आपको उतारने की झंझट नहीं, बटन दबाएंगे बाल बाहर आ जाएंगे, एक्जैक्टली बाल आ जाएंगे, पूरे के पूरे बाल आ जाएंगे, सारे बाहर आ जाएंगे, अंदर कोई नहीं आ जाएगा। यार ये सही है, इसकी कीमत क्या है बटन वाले की? ये 1000 रुपीज का, और ये वाला मिलता है जो सिंपल वाला 500 का, 500 जा रहा, आधी आधी कीमत का फर्क आ गया ना बीच में। और ये सारी जो चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सारी इम्पोर्टेड है, लोकल कोई भी नहीं है इनमें, सब चाइना का माल, चाइना का इम्पोर्ट है, चाइना इम्पोर्ट ही है ना, चाइना तो बाहर ही है ना। कैट्स पे यूज कर सकते हैं कि डॉग्स पे? नहीं आप डॉग्स पे यूज करते हैं, कैट्स पे, किसी पे भी यूज कर सकते हैं, बकरों पे भी यूज करते हैं, सब पे, वो घोड़े पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ सही है, घोड़े पे भी हो सकता है यूज। ये इसको देखिए, ये तंग करता है, ये लगता नहीं है, हम भी यूज कर सकते हैं। नहीं हम नहीं। ये तो ब्रश हो गई भाई, अब अगली वैरायटी कौन सी है मतलब लोगों के लिए जो नई भी आई हो? ये लीशेस आ जाती हैं, इसके कॉलर्स आ जाते हैं, ये तो बिल्लियों के हैं ना, कॉलर्स हैं, डॉग्स के भी हैं हमारे पास। हाँ। बाकी ये कैट्स के, ये एक्सेसरी कैट्स की है। अच्छा अली भाई, सारी की सारी सबसे मेन इशू आता है जिसमें हम डॉग्स को, कैट्स को लेकर डॉक्टर पे जाते हैं उनके नाखून कटिंग करवाने के लिए। सर ये तो कोई बात ही नहीं है वो मैं आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। डेमो एक दिखा दूँ आपको, दिखाएं। हाँ ये मेन इशू जो है ना, हम लोग खुद भी काट सकते हैं। सर ये सिंपली नेल कटर से भी काटे जा सकते हैं ना, करें अगर कोई समझ रखता है, जो एक्सपर्ट बंदा है वो अनएक्सपेक्टेड था, वो ना एक्सपीरियंस जैसे बंदा ये ट्राई ना करे। ये हल्का सा ऐसे आपने पुश करना है इसके पाँव को, ठीक है, इसके नेल्स बाहर आ गए। जो आगे टिप्स हैं जो इसकी, वो आपने नेल कटर से काट सकते हैं। नहीं अगर नेल कटर से काट सकते तो जो कॉमन नेल कटर होता है उससे नहीं, आप लोगों के पास होता है ना कटर वटर भी होता है ना, ये देखें, इसमें आपको डर नहीं होता कि इसका नाखून ज्यादा कट जाए या जख्म हो जाए इसको, या चोट लगती है, इससे नहीं होता। टेंशन खत्म हो जाती है ना कि नेल कटर से काट रहे तो खराबी ना हो, लेकिन नाखून काटने जरूरी क्यों? एक नेचर है। नहीं एक्चुअली घरों में इनकी जो नेचर है ना, ये स्क्रैच करते हैं। हाँ ठीक है, तो लोग इस चीजों से सोफे वगैरह, कारपेट वगैरह ये गंदे ना करें, खराब ना करें, ये इसलिए होते हैं। नेल काटने का मकसद क्या है? अभी ठीक हो गया। ये लोहे की कंघी भी रखी हुई है। बालों का इशू होता है ना, नेल प्रॉब्लम जो रखने का जो इशू है ना, कि बाल बहुत ज्यादा इनके बाल बहुत गिरते हैं, आप उठाते हैं, लगते हैं, होता है। ये देखिए ये रोलर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपने किटन उठाया है, आपके बाल लगे हैं, एक स्टिकर इसका उतारते हैं, आप ये रोल करते हैं, सारे बाल इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक हो गया। स्टिकर वेस्ट कर दें आप। इसमें तकरीबन कोई 250 स्टिकर होते हैं, यानी 250 बार आप कर सकते हैं। बालों के लिए हो गया। ये ब्रश वगैरह भी रखे हुए हैं आप? डॉग ब्रश एंड कैट्स दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये बड़ा है, ये डॉग्स के लिए साइड है। वाह जी वाह। ये देखें ये कैट्स के लिए, दोनों के लिए ब्रश आ गए हैं। डॉग्स एंड कैट्स दोनों के लिए, दोनों के लिए। और ये फिंगर्स पे पहन के, ये फिंगर्स पे पहन के भी आप कर सकते हैं। टूथपेस्ट भी है इसके साथ, इनकी पेस्ट होती है अलग। आप कोई भी, वैसे तो कोई भी यूज कर सकते हैं, घर वाले यूज कर लेना, कोई भी कर सकते हैं। ये कितने का ब्रश, कितने का मिलता है? ये 350 का है ब्रश, 380 रुपए का ब्रश। और ये तो काफी लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज है, ये तो चलता रहेगा, चलना चले। बाकी जो ये बिल्ली का बांधने के लिए है, ये बिल्ली और पपी दोनों के काम आ सकती है, छोटों के लिए हर तरह की पड़ी हुई है। ये तो जस्ट एक डिस्प्ले है, हर तरह की चीज हमारे को मिल जाती है। इधर ये शैम्पू वगैरह, हर तरह का शैम्पू होना बहुत जरूरी है, मेडिकेटेड शैम्पू, हर तरह का शैम्पू। नहीं तो आम शैम्पू नहीं यूज कर सकते हम? आम शैम्पू क्यों नहीं यूज कर सकते? भाई हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों के लिए बनी होती हैं, उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर होता है। एक और चीज होता है कि डॉग्स को जिनके साथ बाल लंबे होते हैं, बिल्लियों में, डॉग्स में, इनके बीच में वो जुए वगैरह पड़ जाती है, उसका क्या हाल है? ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं, आम हो जाती हैं। और ये होती है गर्मियों में ज्यादातर, इस मौसम में होती है। आपने इनको कैसे, आजकल बड़े स्प्रेज चले हुए, बेहतरीन एक स्प्रे है फ्रंट लाइन, वो तो बड़ा महंगा है, वो महंगा। अगर उसका अल्टरनेट अगर आप सस्ता करना चाहते हैं कुछ, तो फिर उसके आप सैगवान इस्तेमाल कर सकते हैं। सैगवान वो साशे मिलता है, साशा भी मिलता है, स्टोर में बॉटल में मिलता है, और एक इसके अलावा एक और है। आपकी बात है ना, आप जिस एरिया में आपने रखा हुआ है, वो सराउंडिंग में ना एक डेल्टा स्प्रे मिलता है, डेल्टा, उससे आप उसको वॉश करें थोड़ी देर के लिए, कोई 2-3 घंटे उसे गीला रहने दें उसको, फिर एक दिन बाद वहाँ पे अपने जानवर आप जो नया लेकर आना चाहिए वो, या हमेशा के लिए। सैगवान वो बहुत तेज होता है, वो ज्यादातर मोस्टली यूज होता है वो गाय भैंसों के लिए, ठीक है। डॉग्स पे अप्लाई होता है, लेकिन उसे क्वान्टिटी की जरा मिकदार कम करना। तो वो इसका मतलब कि फनाइल वगैरह नहीं फेंक सकते, एक जंस फ्री करने के लिए होती है। अच्छा। वो आपकी फ्लेज नहीं खत्म कर सकती, यानी स्पेशल उसके अलग से चाहिए, वो नहीं रखा हुआ ना अभी हमने। ये लोहे का ब्रश क्या काम करता है, ये बताएं? ये नॉट्स बन जाती हैं अक्सर डॉग्स में। हाँ, बनती है। तो वो नॉट्स को निकालने के लिए ये चीज इस्तेमाल होती है। और ये तभी बनते हैं ना कि जब हम लोग उनको कंटिन्यूअसली ब्रश नहीं करते, साफ नहीं करते हैं, उनको नहलाने के बाद ड्राई नहीं अच्छे से करते हैं, गीली जगह पर वो बैठ जाते हैं, वो इस वजह से। वो लो भाईजान, ये तो हो गई सारी की सारी एक्सेसरीज। और ये वाला बॉक्स हम बताना भूल गए थे, इससे आप लेट वगैरह भी साफ कर सकते हैं। इस टेम्परेचर में क्या दें? सबसे पहले तो आपने उनका पानी मेंटेन रखना है, आप ORS इस्तेमाल करें, रोज ORS देखते हैं, वो बुरी चीज नहीं है। ग्लूकोज इस्तेमाल करें रोज डेली, पानी सबसे जरूरी, सबसे बेहतर। कितने पानी में डालें ग्लूकोज? एक लीटर पानी है, उसमें आप 3 चम्मच आप उसके ऐड कर दें, बस, तो वो बेहतर है उनके लिए। 1 लीटर पानी के अंदर, वो 1 लीटर पानी का आधा लीटर करके दोनों को दे दें, आप बिल्लियों को दे दें, आप कुत्तों को दे दें, आप ये भी सही है। लो जी भाईजान, ये ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया, एक्सेसरीज भी दिखाई और आपको ये भी बताया कि इनको फूड कौन सी देनी है, किस तरह देनी है, फीड कौन सी देनी है। ब्रश वश शेड ने तुम हथों ले लो भाई, मुझे तो ब्रश ही मजे का लगा, या वो ब्रश मजे का लगा, बटन वाला है कि बाल अगर जुड़ जाते हैं, बटन दबाएं, बाल बाहर। आज का ब्लॉग यहाँ पे कंप्लीट होता है। फीड पे हम लोग बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट आपको ब्लॉग में ना मैं आपको फीड दिखाऊंगा कि इनको कौन सी फीड देनी है। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बटन दबाएं और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।